एवरीवन, मैं शुभम कुमार सिद्धू। तो आज अजय देवगन की तरफ से शैतान फिल्म का ट्रेलर आया है। अब ये ऑफिशियल रीमेक है वर्स्ट फिल्म का, जो गुजराती फिल्म है, पिछले साल आई थी, तो मैंने तो देख ली है पहले ही। तो अब देखना है मुझे कि किस हद तक फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया या फिर कुछ भोला जैसा अपने ही कुछ डाला है इस फिल्म के अंदर। जैसा कहती था वैसा तो भोला था नहीं, तो देखना है कि ये लोग रीमेक की माँ बहन करते या फिर दृश्यम जैसा नोट छापते है। तो पहले ट्रेलर देखते है। नमस्कार, डायल 100। उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम, वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा। जबरदस्ती? पता नहीं, मेरी बेटी पर क्या कर। कहाँ से बोल रहे हो? मेरी बेटी को बचा लो, वो इधर आ रहा है। सॉरी, मैं अपनी बेटी को फोन करना चाह रहा था, मेरा फोन का बैटरी कॉन्क ऑफ कर गया। 10-15 मिनट का सवाल है, चार्ज होते ही मैं चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं चाचा लेकर। कभी आई डेड मैन आउट ऑफ द हाउस सर। सिर्फ 15 मिनट की बात है। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। आप शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। चाचा अपने डैड को रोको, क्या कर रहे हो? डैड ये साइड नहीं जाएंगे। चांदी साइड हो जा। ओरिजिनल वाले और इसकी भी सेम ही एक्ट्रेस है। चल नहीं जा, नीड में खा जाओ। अब मैं आपको स्लैप करूं जोर से। वंस मोर, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? व्हाट हैव यू डन टू हर? मैं शीघ्र ये आपकी लाडली मेरे कठपुतली है और मैं उसका भगवान। व्हाट रबिश जानवी, अपने पिताजी को जोर से छावर मार दो। डायलॉग नहीं है, बीच में बोलता है। यहाँ से ले जाना जरूरी है, आपके आशीर्वाद के साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मेरी बेटी को आजाद करेगा कि नहीं? तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? अपने नाम से फिल्म बना रहे। अच्छा जानू, अगर कोई भी पास में आएगा ना तो चाकू भूक देना। ओके थैंक्स। पूरा ही सिमिलर है। थोड़ा बहुत सीन है जो पुलिस वगैरह में फोन कर रही है ना, वो ओरिजिनल वाले में नहीं था। फिर वो बाइक निकाल के अपना अजय देवगन स्टंट वगैरह मारेंगे शायद से, वो भी सीन नहीं था। बाकी तो पूरा का पूरा वही है। ट्रेलर देख के एक चीज तो पता चल गया कि वर्ष और शैतान में एक चीज तो काफी कॉमन है, लीड हीरोइन मतलब कि वो जानकी बूढ़ी वाला, मतलब कि एक ही रोल में दो दो पेमेंट ले लिया लड़की ने, मतलब क्या ही टैलेंटेड रहेगी। और यहाँ पर अपने को ट्रेलर देख के काफी सिमिलर लगता है। बट ये भी चीज है कि बॉलीवुड वाले हैं तो वो अपना क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, क्योंकि भरोसा नहीं है ना भाई, विकास बहल है वो गणपत वाले आदमी है तो भाई डर तो लगेगा ही ना हमको। लेकिन अजय देवगन है जो कान के नीचे तक फिर मैं आके उंगली करेगा बीच में, हाँ तो वो संभाल लेंगे। क्योंकि उनको पता है भाई कि यहाँ की जो ऑडियंस है ना वो झंडू है, अच्छी पिक्चर तो ढूंढ के देखेगी नहीं, फालतू पिक्चर तो थिएटर में जाके देखेगी। इसके लिए दृश्यम कैसा कमाई दबा के, तो वैसे ही वर्ष भी दबा के कमा लेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर ये फिल्म आराम से चल जाएगी। अरे शुभम, ये जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखा है वो ज्योति का फोन करती है पुलिस वाले को, उससे अच्छा वो सूर्य भाई को फोन करती है, सीधा एक ही बार में आर माधुन के फाड़ देते। हाँ, मतलब कि रोलेक्स भाई को एक ही फोन कर देते, मतलब आर माधवन वहीं पर महादेव के पास पहुंच जाते। मतलब कि यार जो आर माधवन रोल प्ले कर रहे हैं ना यार, उनका रोल जो है ना वो काफी हैवान वाला है। क्योंकि जो ओरिजिनल मैंने देखा था ना, उस बंदे ने क्या ही एक्टिंग किया था यार, लिटरली मजा आ गया था। वैसे ही काम हार्ड, मेरे को भरोसा तो है, लेकिन देखना है मुझे आर माधवन का काम, क्योंकि पूरा फिल्म उन पे ही है। अब देखो यार, फिल्म की बात करूँ तो इंटरवल तक ना एक फिल्म ऐसा चलता है कि आप शॉक में रहोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्या करवा रहा है, इतना हरामी आदमी कैसे कोई हो सकता है। और एंडिंग में पहुँचते आपको आर माधवन पे बहुत ही गुस्सा आएगा और वहीं पर अजय देवगन से प्यार हो जाएगा, क्योंकि यार फिल्म ऐसा खत्म होता है ना कि आपको शॉक कर देता है। लेकिन फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें देखने के लिए, तो आप आराम से इस फिल्म को देखोगे। देखो यार, ट्रेलर में मैं मूवी रिव्यू कर रहा हूं, मतलब समझ रहे हो, लेकिन मैं इसका मूवी रिव्यू जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे डर है विकास बहल है, तो देखा जाएगा जब फिल्म आएगा। ओवरऑल ट्रेलर की बात किया जाए तो यार मजा आता है।
देख के मुझे तो शांति मिलेगी भाई। चलो अब तो कोई फिल्म आई है थिएटर में जो मैं बैठ के देख सकूं आराम से, क्योंकि अभी कल आएगी क्रैक, तो देखना है उसका भी रिव्यू देख लेना, आएगा इसी चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।